हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं सब्जेक्ट्स कर्ता। जब कभी भी हम टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो शब्द होता है वो होता है सब्जेक्ट्स कर्ता। कर्ता कितने प्रकार के होते हैं चलिए देखते हैं। इंग्लिश में हम यहाँ पे दो प्रकार के कर्ता देखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स जिनको एक वचन कर्ता बोलते हैं और दूसरे हैं प्लूरल सब्जेक्ट। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता, इसके अंतर्गत कुछ प्रोनाउन आते हैं जैसे कि ही सी इट, ये सभी थर्ड पर्सन होते हैं। इसके बाद में कोई अन्य नाम जैसे कि राम श्याम या फिर मोहन, कोई भी एक नाम। फिर इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन्स आती हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसी होती हैं जिनको कि हम गिन नहीं सकते। तो उसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या जिनको भाववाचक संज्ञा भी बोलते हैं जैसे कि लव, फ्रीडम, एजुकेशन, हेल्प, ब्यूटी, म्यूजिक। इसके बाद में कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं जो कि छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके बने होते हैं जैसे कि सुगर, राइस, साल्ट, फ्लोर, डस्ट, ट्रैफिक। इसके बाद में कुछ फूड्स आते हैं जिनको कि हम पीसीस में काट सकते हैं जैसे कि ब्रेड, फिश, चीज, चॉकलेट। इसके बाद में कुछ लिक्विड्स आते हैं, सभी लिक्विड जितने भी होते हैं जैसे वाटर, मिल्क, वाइन, टी, कॉफ़ी, सूप, जूस, ब्लड, और कुछ गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मटेरियल्स लाइक वुड, ग्लास, पेपर, सैंड, आइस, सिल्वर, आयरन, स्टील, ये सभी इसके अलावा और भी हो सकते हैं जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये इनको सभी को हम अनकाउंटेबल नाउन्स में इंक्लूड करेंगे। इसके बाद में कुछ और भी होती हैं जैसे कि फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, मनी, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आती हैं और इनको हम सिंगुलर नाउन ही मान के चलेंगे। और इनके साथ में सिंगुलर नाउन की हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का ही वाक्य में प्रयोग करेंगे। इसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट में प्रोनाउन जो हैं वो हैं वी, यू और दे, या फिर एक से ज़्यादा काउंटेबल नाउन, मोर देन वन काउंटेबल नाउन यदि आती है, राम एंड श्याम, बॉयज, स्टूडेंट्स, पीपल, चिल्ड्रन, तो ये सभी क्या होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। इसके बाद में कुछ स्पेशल केसेस हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि यू, ये सेकंड पर्सन होता है और हम फर्स्ट पर्सन जो हैं आई अभी इस सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, तो यू सामने वाला सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगाएंगे किसी भी टेंस में तो यू को हम हमेशा प्लूरल ही मान के चलते हैं। लेकिन आई के साथ में ऐसा नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन होता है। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ में प्लूरल्स जैसा व्यवहार किया जाता है, और जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ में एम स्पेशल केस है, आई के साथ में आर का प्रयोग नहीं करते, ना ही एज का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं। लेकिन पास्ट टेंस जब होता है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ में वाज का प्रयोग किया जाता है जो कि एक सिंगुलर नाउन के लिए वर्ब है, जैसे ही वाज, सी वाज, इट वाज, इसी तरह से आई वाज। तो पास्ट टेंस में इसको सिंगुलर सब्जेक्ट अपन मान के चलते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट्स वाली आती हैं, जैसे कि आई हैव बीन, ये सभी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं।